अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुले में आपका मेज़बान हाबिल सागर फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जो है हम दिल्ली के राजपथ में ही मौजूद है। इस गाड़ी में नहीं है सोना माचू, पहले गाड़ी से हम तो सिर्फ दूसरे गाड़ी में है। हाँ। हमको पता नहीं है, हम कब से आपको अंदर हमसे नहीं मिला है। ठीक है, सर राउंड ले लीजिए, बाकी साहब करने दीजिए, आप जो कर लिए है थोड़ा सा मुस्कान लिए। गांधी जयंती पे महात्मा गांधी जी की समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करें, पूरे राष्ट्र को जंग में राखवा है सभी दिल्लीवासियों से। कर लिए बाहर निकलते हैं। आपको कष्ट दिया है ताकि लोग जो है शुद्ध हवा के बारे में, पर्यावरण के बारे में जान सके। इधर सर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाया जा रहा है। और एक बार एक बार जो है यहाँ पर गांधी जी के दरवाजा बंद करने दो। अशोक कहाँ? अशोक बैठने दो, बंद कर दो। जो के लिए वो इतने सारे पुलिस लेके आया है कि हम अपराधी है।
अभी हम इतना इंडिया को कर रहे हैं, हम इतना इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे वो हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हमारा भी कोई हक नहीं बनता, उनका कोई हक नहीं बनता। जब चाइना हम पे हमारा लैंड छीनने के रहता है तो उनका भी कोई फायदा नहीं बनता। अगर वो आज नहीं देख रहे उनको कोई फायदा नहीं बनता कि वो कल भी देखे। लद्दाख के लोगों ने जो है हमेशा हिंदुस्तान के साथ दिया है। तो अभी जिस तरह से आप लोगों के पीछे जितने भी यहाँ पे पुलिस फोर्स लगाया हुआ था, इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? अगर सरकार इस तरह करते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि लद्दाख जो है वो हिंदुस्तान के अंदर रहेगा, क्योंकि चाइना यही चाहते हैं कि लोगों को मतलब वीक करा दे और वो हड़प लेंगे। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि हम लद्दाख एक ऐसे फ्रजाइल सॉइल में रहते हैं और हम हमेशा दो दुश्मन देश के साथ बैठते हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। तो इन यहाँ के लोगों को आप लोग नाराज़ न कराए। अगर इस तरह आप लोग हमें इस तरह यूटी के अंदर जिसका पाँव ना छाती ना सीना कुछ नहीं है, और लद्दाख के आज हम देख रहे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं नशे की तरफ, यहाँ हम इन चीज़ों को रोकने के लिए ये अनशन या आंदोलन जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि देखो आप सर, सोना माचुक जी सिर्फ अपने फेम के लिए ये नहीं कर रहे, फेम के लिए उसके लिए हाँ किसी भी जगह वो फेम मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये गलत फहमी है कि वांचुक जी है वो फेम के लिए, अपने फेम के लिए, उसको फेम की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको फेम की ज़रूरत होता तो ये इसने कम से कम 40 लाख के जो है वो उन्हें स्पीच जो बाहर जाके देना था उन सबको कैंसिल करके एक लद्दाख को बचाने जिसका औलाद तक नहीं है। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ देना चाहिए, और पूरे लद्दाख के यूथ पे मुझे बहुत भरोसा है और हमारे लद्दाख के यूथ बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन उन बेचारों को भी कोई पढ़ाई के चक्कर में कोई कुछ प्रेशर की वजह से वो साथ नहीं आ पाए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है आपकी इस चीज़ को रुखसत करने से पहले मैं यही कहूँगा कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। ज़िंदगी में सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये भी तो गलत बात है। थैंक यू। ऐसा कह रहे हैं कि रिलीज कर रहे हैं, पर कहाँ पारदर्शिता है, कहाँ जवाबदेहिता है सरकार में। तो अभी वो पहुँचेंगे तभी मालूम पड़ेगा। तो अभी जो बस में बिठाए जा रहे हैं, बस में बिठाने वाले लोगों ने, वही तो सबके मन में वो सवाल है। आप देखिए कैसा चलता है, ऐसा कभी था नहीं। नहीं, हमारा प्लान नहीं भाई, ये तो लद्दाख की जनता का प्लान है। कल जब गिरफ्तारी हुई तो लद्दाख बंद हो गया, पूरा समर्थन है उनको, और उनकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल संवैधानिक मांगे हैं। जब से केंद्र शासित प्रदेश किया तब से अलग अलग योजनाएं थोपी गई जिससे उनकी प्रकृति ध्वस्त हो गई। आ रहे हैं अब हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, यही कह सकते हैं। हम चाहते हैं कि उनको छुटकारा किया जाए, उनको अगर कल भी शांति से जंतर मंतर पे कुछ करना है तो करने दिया जाए। कावड़ यात्राएं चलती है, शिव ज्योति यात्रा चलती है, मैं एक बात बता दूं, बात आप सुन लीजिए। क्या पता पुलिस को पूछे, पुलिस को बताना, कुछ दिल्ली पुलिस को किस चीज का डर है? 100-150 नफर के लिए यहाँ पे हजार के तादाद में पुलिस लाया जा रहा है।